बुलडाणा में जिला कृषि विभाग ने एक खाद के बदले एक और खाद लेने की सख्ती करने वाले सागर फर्टिलाइजर कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है और तालुका कृषि अधिकारी ने कृषि केंद्र के मालिक को मामले का स्पष्टीकरण भी मांगा है। 850 कसका है लिंकिंग नहीं म्हणता सर तुम्ही लिंकिंग कशा नाही सर तुम्ही लिंकिंग कशाचा भरोसा सांगू राहिले लिंकिंग नाही साहेब म्हणतात लिंकिंग नाही तुम्ही शूटिंग करा आणि लिंकिंग कशाचा भरोसा म्हणू राहिले लिंकिंग तुम्हाला कोणी सांगितलं लिंकिंग करायला जिला कृषि विभाग ने बुलडाणा में सागर फर्टिलाइजर कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। डीएपी खाद चाहिए तो दूसरे कंपनी का खाद लेना ही पड़ेगा, ऐसी सख्ती करने वाले बुलडाणा के सागर फर्टिलाइजर कृषि केंद्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बुलडाणा तालुका के धसालवाड़ी के एक किसान अजय शेवाले ने कल 1 जून को तालुका के कृषि अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई और तालुका के कृषि अधिकारी दिनकर मराठ से उनके साथ जाने का अनुरोध किया। किसान और अधिकारी दोनों बुलडाणा के सागर कृषि केंद्र पहुंचे, जहां किसान ने खाद की मांग की। तालुका कृषि अधिकारी के सामने किसान को एक और खाद लेनी ही पड़ेगी, ऐसा कृषि केंद्र के मालिक ने कहा। उसके बाद तालुका कृषि अधिकारी को अपना परिचय देना पड़ा। अधिकारी ने केवल कृषि सेवा केंद्र के मालिक से मामले का स्पष्टीकरण मांगा है। मामले को कृषि अधीक्षक नरेंद्र नाइक ने उठाया और इस कृषि केंद्र का लाइसेंस कल रद्द कर दिया गया है। श्री अजय शेवाड़े राणा ढासाड़वाड़ी तालुका बुलढाणा येथील शेतकऱ्यांनी खताबरोबर लिंक करून मायक्रोला त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी सक्ती केली सागर सीड्स अँड फर्टिलायझर्स या विक्रेत्यांना। त्याच्यामुळे ते तक्रार तालुका कृषी अधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे आल्यानंतर ते स्वतः त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर त्यांनी स्वतः त्यांना नोटीस दिली, पण तो नोटीस न देता समोर प्रत्यक्ष जेव्हा घडलं त्यास त्यांनी कार्यवाही करणं अपेक्षित होतं। त्यांनी थोडंसं हलगर्जी केल्यामुळे त्यांना आपण कारणेदाखवा नोटीस दिलेली आहे आणि या सर्व प्रकारावरती एकंदरीत सर्व आढावा घेऊन केलेली वारंवार सूचना देऊन देखील विक्रेत्यांना लिंकिंग पद्धतीनं खतं विक्रीची पद्धत जी सुरू केलेली आहे याचं निलंबन काल सायंकाळी आपण केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये सर्व स्टॉक जो आहे तो सीज करून घेतलेला आहे।